तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं और पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर मिलनी चाहिए और पूरे देश के युवा, बिहार के साथ साथ पूरे देश के युवा की हार्दिक इच्छा है कि तेजस्वी यादव जो है पार्टी का बागडोर संभाले। और हमारी अपनी भी निजी राय है कि देश और दुनिया जिस हालात से गुजर रही है उस हालात में युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और तेजस्वी यादव को जब पार्टी का बागडोर मिलता है तो निश्चित तौर पे बिहार के युवाओं में एक उबाल सी आएगी और तेजस्वी यादव में काम करने का अपना एक विजन है और वो बिल्कुल ही कम उम्र में सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय होगी कि तेजस्वी यादव को किसी भी हालत में पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए और पूरे बिहार के नौजवान, सब समुदाय के लोग, अकलियत के लोग सब एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार में दौरा करना चाहिए, बिहार के एक एक गाँव में जाना चाहिए और युवा पीढ़ी जो है, खास करके युवा पीढ़ी जो है, चाहे वह किसी भी समुदाय के हो, सब लोग चाहता है कि तेजस्वी यादव जो है बागडोर संभाले और हम आशा भी रखते हैं कि आने वाले पीढ़ी वह एक संदेश देंगे अपना कमान संभाल करके। और मेरी व्यक्तिगत अगर हमसे पूछा जाएगा, पार्टी का निर्णय अलग बात है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है और व्यक्तिगत तौर पे मैं यही हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि हर हालत में तेजस्वी यादव को पार्टी का बागडोर मिलनी चाहिए और उनको संभालना चाहिए पार्टी को। देश के हालात सब कोई देख रहे हैं, जिस तरह से युवा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का मार झेल रहा है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि देश में कभी भी कोई चैनल हो या कोई भी लीडर हो या युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, 2019 में कहा पुलवामा हमला अभिनंदन। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप जो कहते हैं उसको करना चाहिए। और देश में सबसे बड़ी मांग जो है वह है अभी कि युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं देश में, यह जो है घटना बढ़ने का मतलब होता है बेरोजगारी का प्रतीक। अगर युवाओं को रोजगार नहीं होगा तो वह गलत रास्ता अपनाते हैं और इस गलत रास्ता को जाने से अगर कोई व्यक्ति रोकने की इच्छा शक्ति रखती है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव में यह क्षमता है कि वह जो है युवाओं को सही दिशा और निर्देश दे सकते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हम पूरे बिहार के युवाओं को आह्वान करते हैं कि आप लोग भी एक मुहिम चलाइए और तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर हो ताकि जो है बिहार का विकास हो। इसके साथ मैं और हम कुछ कह नहीं सकता हूँ, हमारी अपनी जो निजी राय है वो मैंने आपके सामने रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर मिलेगी और वह पार्टी को संभालेंगे और युवा पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देंगे बिहार में।